hello students this is akshay Chopra, as we have completed class 12th final exam of mathematics now we are going to discuss final exam of class 10th of session 2022-23 20, the level is standard level after that we will discuss basic also so in this starting we are going to discuss section a okay section a which is mcq type section ओके विच इज एम सी क्यू टाइप सेक्शन सो इन दिस सेक्शन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज द क्वेश्चन इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री के एक्स प्लस फोर के बी ट्वाइस द अदर देन द वैल्यू ऑफ के देखो यू शुड नो दैट कि जितनी भी डिग्री होती है एक पोलिनोमियल की यह पोलिनोमियल कि ना दिस इज पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स द डिग्री ऑफ़ दिस पोलिनोमियल इज़ हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल कितना है एक्स उसकी हाइएस्ट पावर कितनी है हमारे पास टू ठीक है तो इसकी डिग्री टू है और आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी कि जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतनी ही ज़ीरोज़ होती हैं पोलिनोमियल की ठीक है यहाँ पे डिग्री दो है तो हमारे पास मैक्सिमम दो ज़ीरोज़ आएंगी और दो ज़ीरोज़ उसने दे रखी हैं कि वन ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल बी ट्वाइस दी अदर कि पोलिनोमियल की जो एक जीरो होगी वो दूसरी जीरो का ट्वाइस होगी ट्वाइस का मतलब डबल ठीक है तो देखो कैसे लेट टू जीरोज़ बी दो ज़ीरोज़ आप लेट कर लो कुछ भी मान लो अल्फ़ा एंड टू अल्फ़ा ठीक है उसने बोला था ना कि जो एक ज़ीरो है वो दूसरी ज़ीरो का ट्वाइस है अगर एक ज़ीरो अल्फा है तो सेकेंड ज़ीरो क्या हो गई टू अल्फ़ा ठीक है पोलिनोमियल गिवन टू अस इज एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री के एक्स प्लस फोर के ठीक है ये हमारे पास पोलिनोमियल है अगर हम इसको जनरल पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी तो हमें क्या मिलेगा तो देखो हमें क्या मिलेगा ए की वैल्यू आ जाएगी वन बी की वैल्यू आएगी माइनस थ्री के और सी मिल जाएगा हमको फोर के ठीक है अब ध्यान दो जरा सम ऑफ रूट्स क्या आता है हमारे पास सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए ना तो नेगेटिव बी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री के माइनस थ्री के अपॉन ए की वैल्यू क्या है वन तो इट विल बी इक्व थ्री के और यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या आएगा अल्फा प्लस टू अल्फा दैट इज थ्री अल्फा ठीक है ना यानी कि जो हमारा थ्री अल्फ़ा होगा वो थ्री के के इक्वल हो जाएगा थ्री थ्री गेट्स कैंसल्ड आउट विच मीन्स अल्फा विल बी इक्वस टू के तो एक रिलेशन तो हमको ये मिल गया देखो जरा सेकेंड रिलेशन क्या होगा इसी शीट पे कर देता हूँ नहीं तो फिर बार बार आगे पीछे करनी पड़ेगी ठीक है देखो जरा तो अल्फ़ा इक्वस टू के आ गया ना सेकंड में हमारे पास क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी तो, है। तो होता है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है सी अपोन ए के ना तो सी की वैल्यू थी हमारे पास फोर के ए की वैल्यू थी वन तो इट विल भी इक्व टू फोर के अपोन वन दैट इज़ इक्वस टू फोर के ठीक है अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया अल्फ़ा मल्टीप्लाई टू अल्फा यानी कि टू अल्फ़ा स्क्वेयर इक्वस टू फोर के यहाँ से हम कटिंग करेंगे इट विल बी इक्व टू टू तो अल्फ़ा स्क्र इक्व टू टू के अब देखो हमको क्या करना है के की वैल्यू फाइंड करनी ना तो देखो अल्फा की जगह के पुट कर देंगे हम यहाँ पे तो इट विल बी इक्व टू के स्क्वेयर इक्व टू टू के विच मीन्स के स्क्यर माइनस टू के इक्व टू जीरो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा अगर के कॉमन आ जाएगा तो के इंटू के माइनस टू इज़ ज़ीरो अब देखो दो चीज़ों की प्रोडक्ट ज़ीरो है इट मीन्स दोनों में से कुछ ना कुछ एक जीरो होगा यहाँ तो के ज़ीरो होगा और के माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा ठीक है ना तो देखो यहाँ से हमें क्या मिल गया यहाँ से हमें मिल गया के की वैल्यू ज़ीरो और के की वैल्यू टू ठीक है अब देख लो ज़ीरो टू में से जो हमारे पास अवेलेबल वैल्यू है वो क्या के uh, रहा

वो उसको एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करता है वो रेशो निकालनी है ठीक है ये सेवन्थ चैप्टर का क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशेंट ठीक है और ये आ जाएगा अपना सेवंथ चैप्टर में से सेकेंड एक्सरसाइज ठीक है कौन सा था सेक्शन फॉर्मूला देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास दो पॉइंट्स हैं माइनस टू थ्री एंड सिक्स सेवन देखो एक ये पॉइंट है माइनस टू कोमा थ्री दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है सिक्स कॉमा सेवन ठीक है हमने ये कोई भी एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे इट विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स कोमा जीरो ना क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती और y है और वाई होगा जीरो यही मेन पॉइंट है यहाँ पे तो उसकी रेशो फाइंड करनी है दैट विल बी के रेशो वन ठीक है जी तो के रेशो वन है तो देखो के रेशो वन है ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते थे ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आते थे एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा के इंटू एक्स टू प्लस वन इंटू एक्स वन के इंटू एक्स टू प्लस वन इंटू एक्स वन अपोन के प्लस वन ना इसी तरह से जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट की जगह तुम जीरो लिख लो क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जीरो है ना तो वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा के इंटू वाई टू प्लस वन इंटू वाई वन तो के इंटू सेवन प्लस वन इंटू सॉरी वन इंटू थ्री अपोन के प्लस वन अब देखो हमें तो के की वैल्यू चाहिए ना हमें के की वैल्यू चाहिए ठीक है के की वैल्यू यहाँ से हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक्स भी नहीं है ठीक है के की वैल्यू हमने कोई कॉन्स्टेंट निकालनी है लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्स नहीं है तो इट इज़ बेटर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट ठीक है क्योंकि ये के प्लस वन क्या होगा जीरो के साथ मल्टीप्लाई होएगा जीरो हो जाएगा तो इट विल बी ज़ीरो मल्टीप्लाई के प्लस वन इक्व टू सेवन के प्लस थ्री यानी कि सेवन के प्लस थ्री किसके इक्वल हो गया जीरो ना तो सेवन के की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री ठीक है तो के कितना आ गया माइनस थ्री अपॉन सेवन अच्छा माइनस थ्री रेशो सेवन आंसर आ गया लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं अच्छा देखो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट इज गिवन टू वी नेगेटिव सेवन ये वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव सेवन गिवन है तो यहाँ पे नेगेटिव सेवन पुट करेंगे ठीक है तो इट विल भी इक्व टू माइनस सेवन के तो ये बन जाएगा तो ये सेवन के तो कुछ ऐसा बन जाएगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी इक्व टू थ्री अपॉइन्ट सेवन ना तो के की वैल्यू क्या आ गई के रेशो वन का मतलब क्या हो गया थ्री अपॉइन्ट सेवन रेशो वन ठीक है जी तो ये क्या बन जाएगा थ्री रेशो सेवन ठीक है हमारे पास ये रेशो में होता है ना रेशो में ये होता है भी हम किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं तो जो हमारी के रेशो वन बन गई दैट विल बी थ्री रेशो सेवन ठीक है और थ्री रेशो सेवन हमारा है ऑप्शन नंबर बी ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमी सफियर हमारे पास एक हैमी सफियर गिवन है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ठीक है विद डाया डी अब देखो हैमी सफियर का टोटल सरफेस एरिया तो हमारे पास क्या है गिवन है देखो लेकिन हमें फॉर्मूला क्या पता है रेडियस के साथ पता है ना हमें तो जो फॉर्मूला पता है वो क्या रेडियस के साथ है ठीक है तो अब देखो ज़रा ध्यान से हम इसको डायामीटर में कैसे फाइंड करेंगे आ, क्या था टोटल सरफेस एरिया ऑफ़ हेमिसफियर देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ़ हेमिसफियर तो हैमिस्फियर का फॉर्मूला क्या आता है सरफेस एरिया का हेमिसफियर सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है थ्री पाई आर स्क्वेयर जहाँ पर ये जो आर है वो आर क्या आता है बेटा रेडियस ठीक है लेकिन हमें डायमीटर गिवन है ना तो हम इसको रेडियस क्या होता है डाया अपॉन पॉइंट टू होता है तो इसको डी अपॉन पॉइंट टू लिख सकते हैं कि नहीं तो लिख देंगे तो डी अपॉन पॉइंट टू ये क्या बन जाएगा थ्री पाई डी स्क्र अपॉन फोर या इसको ऐसे लिख सकते हो थ्री बाई फोर पाई डी स्क्वेयर ठीक है तो थ्री बाई फोर पाई डी स्क्वेयर ये रहा ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है कि वॉट इज़ लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस फोर्टीन सेंटीमीटर ये तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया हमें क्या करना है लेंथ ऑफ आर्क निकालना है सेंट्रल एंगल भी गिवन है रेडियस भी गिवन है बस कैलकुलेशन कर लो ठीक है देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है आर्क लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थ्री थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी डिग्री मल्टीप्लाई टू पाई आर्क ठीक है जी जहाँ पर थीटा क्या होता है सेंट्रल एंगल और आर्क क्या होता है रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक है बेसिकली ये ये चीज़ होती है कि ये आ गया हमारे पास सर्कल ना ये सर्कल का सेंटर है ठीक है ये दो रेडियस है यहाँ पे रेडियस कितना गिवन है फोटीन सेंटीमीटर ठीक है अब ये जो सेंटर है और ये जो दो पॉइंट्स मिलके आर्क बना रहे हैं ठीक है ये लेंथ ऑफ आर्क ये हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है ये हमारा क्वेश्चन है तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आता है थीटा पॉइंट थ्री सिक्सटी डिग्री पाई आर आर कितना है फोर्टीन थीटा इज गिवन टू बी नाइन्टी डिग्री तो बस वैल्यू पुट करो आंसर आ गया तो नाइन्टी डिग्री अपॉन थ्री सिक्सटी डिग्री मल्टीप्लाई टू पाई इज़ ट्वेंटी टू बाई सेवन आर इज़ फोर्टीन अच्छा अब ये आपकी मर्जी होती है यू कैन टेक पाई टू बी थ्री पॉइंट वन फोर ठीक है लेकिन ट्वेंटी टू बाई सेवन हम तब लेते हैं जब साथ में कोई ऐसी चीज़ हो जो सेवन के टेबल पर कट हो रही है ठीक है अदरवाइज थ्री पॉइंट वन फोर और ये भी होता है कि बाई डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन में मैंशन नहीं है तो ट्वेंटी टू सेवन ही लेके चलते हैं ठीक है अनलेस और इट इज़ मैंशन टू बी थ्री पॉइंट वन फोर चलो अब कटिंग करो इसकी ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल हो गया नाइन वन ज़ार नाइन एंड नाइन फोर ज़ार थर्टी सिक्स ठीक है जी अब ये टू टू, टू ज़ार फोर कट गया अब ये क्या आ गया टू और सेवन और इस सेवन से सेवन कट गया क्या बचा ट्वेंटी टू तो आंसर कितना आ गया ट्वेंटी टू सेंटीमीटर ठीक है अब देख लो ट्वेंटी टू रहा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर एक है ट्वेंटी टू तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा ठीक ठीक है अब आओ जरा क्वेश्चन नंबर फाइव पे इफ एक्स इज जीरो पॉइंट थ्री इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री क्या उसका रूट देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ के रूट के बारे में हमेशा मैं क्लास में भी बोलता हूँ सबसे पहली वर्डिंग यही होती है मेरी कि रूट का मतलब क्या होता है बेटा रूट का मतलब इसको रूट भी बोलते हैं इसको सोल्यूशन भी बोलते हैं इसको जीरो भी बोलते हैं ये नाइन्थ क्लास में पढ़ के आते हो आप ठीक है तो रूट का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ जो भी वेरिएबल है उसकी जगह ये वैल्यू रखूँगा तो आंसर कितना आएगा ज़ीरो तो उसको क्या बोलते हैं रूट ठीक है अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वेयर माइनस पॉइंट नाइन के हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयेर माइनस जीरो पॉइंट नाइन के इक्वल टू जीरो ये गिवन है ना इक्वेशन और उसने बोला है एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री क्या है इसका रूट ठीक है बेटा रूट का मतलब क्या होता है कि मैं वेरिएबल की जगह वो पुट करूँगा तो आंसर आएगा जैसे देख लो मान लो हम कहें कि ये है हमारे पास एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इसका रूट क्या होगा एक्स इज टू टू ना अगर क्योंकि अगर मैं एक्स को टू पुट करूँगा तो टू माइनस टू जीरो आएगा तो इसका रूट क्या बन जाएगा एक्स इज टू टू तो रूट का मतलब क्या है कि हम वेरिएबल की जगह उसको पुट करें और हमारा आंसर जीरो आ जाए ठीक है अब यहाँ पे आ जाओ तो ज़ीरो पॉइंट थ्री इसका रूट है तो यहाँ पुट करो फिर क्या बन जाएगा जीरो पॉइंट थ्री स्क्वेयर इज इक्व टू ज़ीरो पॉइंट नाइन के ठीक है इसको राइट right साइड पे ले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा अब देखो जीरो पॉइंट थ्री क्या था थ्री एंट टेन ना तो पावर टू का मतलब थ्री अपॉइन टेन मल्टीप्लाई थ्री अपॉइन टेन ठीक है इक्वल टू नाइन अपॉइंट टेन के ठीक है जी अब ये नाइन अपॉइंट टेन दूसरी तरफ जाएगा तो रेसी तो थ्री अपॉइंट टेन इंटू थ्री अपॉइंट टेन इंटू टेन अपॉइंट नाइन इक्वल टू के ठीक है मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बता के चल रहा हूँ कैलकुलेशन के भी मुझे नहीं पता आपको आता है कि नहीं तो मैं यही समझ के चलूंगा कि आपको नहीं आता ठीक है तो ये देख लो टेन टेन कैंसिल आउट थ्री थ्री जर नाइन और ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया विच मीन्स के 10, K की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास वन पॉइंट टेन ठीक है के की वैल्यू वन पॉइंट टेन आ गई अब ऑप्शन में देख लो वन पॉइंट टेन कहाँ पे है ऑप्शन में तो वन पॉइंट टेन है नहीं अच्छा ये रहा जीरो पॉइंट वन ठीक है तो वन पॉइंट टेन कितना होता है जीरो पॉइंट वन ही तो होता है ठीक है ना तो जीरो पॉइंट वन विल बी आर आंसर अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू ए बी और पी क्यू पैरेलल है ए बी इज़ सिक्स पी क्यू इज़ टू ओ ओ ओ थ्री सब कुछ गिवन है यहाँ डायग्राम में भी है फाइंड लेंथ ऑफ ओ पी ये जो छोटा सा ओ पी है ये छोटी सी लेंथ हमें फाइंड करनी है ठीक है yeah. तुमको एक रिज़ल्ट बताता हूँ मैं पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं हम तो डायग्राम हमारी कुछ इस तरह से है सेकेंड इज़ दिस ठीक है उसके बाद ये बन जाएगा फिर क्या है हमारे पास ऐसे तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट होगी ठीक है अब थोड़ी लेबलिंग कर देते हैं ये क्या था ओ दिस वॉज पी ठीक है क्यू बी एंड ए ठीक है तो दिस इज़ गिवन टू बी सिक्स सेंटीमीटर विच इज़ पैरलर टू पी क्यू विच इज़ टू सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज थ्री सेंटीमीटर एंड दिस ओ पी वी हैव टू फाइंड ठीक है अब देखो ज़रा ध्यान से बेटा ये ना तुम्हारी एक एग्जाम्पल पे बेस्ड है एन की बुक है आई डोंट रिमेंबर आई थिंक पेज नंबर वन फिफ्टी थ्री है चलो जो भी है ये बेस्ड है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रैंगल्स पे ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रैंगल्स ठीक है देखो ध्यान से कैसे बेटा ये डायग्राम है तुम्हारी बुक में उसमें बाकायदा प्रूफ है ठीक है अब यहाँ पे एम सी तो हम प्रूफ की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे प्रूफ क्या है बेटा कि जब भी ऐसी दो ट्राएंगल्स आ जाती है ना ये साइड्स पैरल है ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं आपस में सिमिलर होती हैं ठीक है तो सिमिलर कैसी होती हैं ओ ए बी सिमिलर टू ओ क्यू पी ठीक है ओपोजिट डायरेक्शन में जाना है जैसे यहाँ पे ओपोजिट डायरेक्शन में जाना है यहाँ पे हम जा रहे हैं डाउन टू अप यहाँ जाएंगे अप टू डाउन अगर यहाँ तुम अप टू डाउन जाओगे तो यहाँ जाना पड़ेगा डाउन टू अप ठीक है ना देखो दो ट्रैंगल्स बना लो तुम लोग क्या करो दो ट्रायंगल्स बना लो रफ में ठीक है मैं स्टूडेंट्स को भी हमेशा क्लास में भी यही बोलता हूँ कि रफ़ में ट्रायंगल्स बना लिया करो जिससे क्या होता है तुम्हारा सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है अब कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी ओ ए बी ओ ए बी और सेकंड क्या होगी ओपोजिट डायरेक्शन में यहाँ क्या था डाउन टू अप यहाँ जाएंगे अप टू डाउन ओ क्यू पी ओ क्यू पी अच्छा बेटा डायरेक्शन हमेशा सेम रखनी है अगर तुम ऐसे लेबलिंग कर रहे हो तो दूसरी की भी ऐसे लेबलिंग करनी है तभी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट सेम आएंगे ठीक है अब देखो अब बस वैल्यूज लिख लो पी क्यू कितना है टू ये टू सेंटीमीटर है एंड ओ बी थ्री सेंटीमीटर है ये रहा एंड ए भी कितना है सिक्स सेंटीमीटर ये रहा वी आर टू फाइंड ओ पी ये देखो ओबियसली देखो अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम आई ना ठीक है तो ऐसे करना होता है देखो अब कैसे करेंगे इसको देखो ध्यान से अब ओरिजिनल डायग्राम को छोड़ो इस पे आ जाओ दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है रेशो प्रपोर्शन में होती है ना यही तो करते हैं सिमिलर ट्राइंगल में तो बस यानी कि इसकी राइट साइड अपॉन इसका बेस इसकी राइट साइड अपॉन इसका बेस इक्वल होगा सेकंड की राइट साइड अपॉन सेकंड का बेस ठीक है जी तो ये हो गया वन अपॉन टू तो ओ पी किसके इक्वल आ गया टू मल्टीप्लाई वन पॉइंट टू 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 गेट्स कैंसल आउट तो ओ पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास वन सेंटीमीटर ठीक है जी तो ये वन सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी ठीक है वन सेंटीमीटर अपना आंसर बन जाएगा ठीक है अब देखो बच्चे गलती कैसे करते हैं तुमको क्या बोला कि मैंने ये सेम डायरेक्शन क्यों रखनी है मान लो अगर हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन कर देंगे ठीक है अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा कोरोस्पोंडिंग साइड ही रेशो में होती है ना तो ये राइट right और ये लेफ्ट थोड़ी ना हम कर सकते हैं ठीक है समझ आ गई ना और देखो दूसरी बात बड़ी ध्यान से समझने वाली है जो इसकी राइट साइड अपॉन इसका बेस है तो इसकी भी राइट right ऊपर और बेस नीचे होना चाहिए इसको उल्टा मत लिख देना ठीक है इसको टू अपॉन ओ पी लिख दो बात समझ आ गई ना टू अपॉन ओ पी लिख दो इसको कहीं अगर इसको टू अपॉन ओ पी लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा टू मल्टीप्लाई टू दैट इज़ फोर आ जाएगा आंसर और ये देख लो फोर भी ऑप्शन में पड़ा हुआ है समझ आ गई ना तो इसी तरह से तुम इसका आंसर नाइन भी बना सकते हो बात समझ आ गई ना ठीक है समझ आ गई ना तो तू इसका आंसर नाइन फोर वन थ्री कुछ भी बन सकता है तो बस इस पर देखना है कि डायरेक्शन कैसी है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है सारा कुछ तभी हमारा आंसर सही आएगा ठीक है समझ आ गई ना तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन अब देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या मैंशनड है इफ़ पी एंड क्यू आर टू नेचुरल नंबर पी और क्यू क्या है दो नेचुरल नंबर गेवन है एंड पी इज मल्टीपल ऑफ क्यू और जो पी है वो क्या है क्यू का मल्टीपल है अब देखो मल्टीपल का मतलब क्या होता है पी इज मल्टीपल ऑफ क्यू इसका मतलब क्या है कि जो पी है वो क्यू के टेबल में आ रहा है ठीक है पी जो है वो क्यू के टेबल में आ रहा है और पी और क्यू आर नेचुरल नंबर कैसे जैसे मान लो पी है ना वो क्यू के टेबल में आ रहा है जैसे मान लो पी को हमने सिक्स ले लिया एंड क्यू को हमने टू ले लिया तो सिक्स टू के टेबल में आता है ना तो p इज मल्टीपल ऑफ़ q बात समझ आ गई p इज मल्टीपल ऑफ q का मतलब क्या हुआ कि जो p है वो q के टेबल में आ रहा है देन वॉट इज द एच सी एफ़ तो हमने क्या फाइंड करना है बेटा एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू ये हमने फाइंड करना है ठीक है अब देखो इसका जनरल मेथड क्या होगा आ, या तो इसको सीधा एग्जाम्पल से कर लो एग्जाम्पल क्या एग्जांपल एग्जाम्पल हमने ले ली पी सिक्स है क्यू टू है ठीक है तो सिक्स को हम क्या लिखेंगे टू मल्टीप्लाई थ्री और टू को क्या लिखेंगे सिंपल तो दोनों का एच सी एफ कितना हो गया एच सी एफ का मतलब क्या था कॉमन पोर्शन ना तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है टू ओनली और ये टू क्या था हमारे पास ये टू था क्यू की वैल्यू यानी कि इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज़ क्यू समझ आ गई ना अगर तुम ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाओ पी क्यू में कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे तो उसने बोला ना मल्टीपल ऑफ क्यू है तुम एग्जाम्पल ले लो टू आंसर आ गया हमारे पास टू क्या था क्यू था तो क्यू ऑप्शन टिक कर देना वैसे हम इसको क्या करेंगे पी क्या है क्यू का मल्टीपल है यानी जैसे ये था ए टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स क्या टू का मल्टीपल है तो सिक्स के टेबल में टू आ रहा है ना तो, सॉरी सिक्स के टेबल में नहीं मतलब सिक्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें टू आ रहा है ना इसी तरह से मैं पी को क्या लिख सकता हूँ पी को ये लिख सकता हूँ क्यू टाइम्स समथिंग ठीक है पी इक्ल टू क्यू टाइम्स समथिंग बात समझ आ गई ना और Q तो क्या था हमारा Q टाइम समथिंग कुछ ना कुछ होगा तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या बन रहा है बेटा Q ही तो बन रहा है तो एच सी एफ ओ ऑफ पी एंड क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास Q ये था जनरल मेथड अगर तुम्हें ये पी क्यू पी क्यू की लैंग्वेज नहीं समझ आती तो एग्जाम्पल ले लो कितना ईजी हो गया मिनटों में क्वेश्चन हो जाता है ठीक है अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर एट ठीक है क्वेश्चन नंबर एट में क्या है हम दस क्वेश्चन करेंगे दस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक है मैं बड़ा आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी है ये मुश्किल से मेरे ख्याल से जिसकी कैलकुलेशन वगैरह अच्छी है मुश्किल से पंद्रह मिनट लगेंगे बीस क्वेश्चन को करने में पंद्रह मिनट भी ज़्यादा बोल दिया मैंने दस मिनट का काम है बस ठीक है देखो इफ़ ट्रैंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर फिर से सिमिलैरिटी आ गई विद एंगल ए इज़ दिस एंगल आर इज़ दिस फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी तो पहले तो सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ट्रैगल्स बना लो ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं ये देखो जरा ध्यान से हमारे पास क्या है ए बी सी और पी क्यू आर ना ये देखो ये दो ट्रंगल्स बना लिए हमने ये एक दो तीन ए बी सी अब तुम्हें पीछे क्वेश्चन में बता के हटाऊँ कि जैसी डायरेक्शन इसकी है वैसी डायरेक्शन इसकी लेनी है तो ए बी सी मीन्स पी क्यू एंड आर समझे अब एंगल क्या क्या गिवन है एंगल इज गिवन टू बी थर्टी टू एंगल आर इज़ गिवन टू बी सिक्सटी फाइव एंड दीज टू ट्राएंगल्स आर गिवन टू बी सिमिलर अब देखो बेटा दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होती हैं दो ट्राएंगल सिमिलर कब होती हैं जब उनकी कॉरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो सेम होती हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था एंगल्स के मामले में क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं समझे अब हमें क्या फ़ाइंड करना है हमें एंगल बी फाइंड करना है यानी कि हमें इसी ट्रैंगल में रहना पड़ेगा अब देखो एंगल सी भी नहीं है हमारे पास लेकिन एंगल सी कहाँ से निकल आएगा आर से क्यों क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ये इसका यूज़ हुआ है यहाँ पे तो ये सिक्सटी फाइव है इसका मतलब ये भी सिक्सटी फाइव हो जाएगा कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए ना बेटा कोरोस्पोंडिंग एंगल किसको बोलते हैं जो सेम डायरेक्शन में होते हैं जैसे ये अपवर्ड एंगल है ये भी अपवर्ड एंगल है ये राइट right साइड का एंगल है ये भी राइट right साइड का एंगल है आपस में सेम होंगे ये लेफ्ट साइड का एंगल है ये भी लेफ्ट साइड का एंगल है आपस में सेम होंगे ठीक है तो अब देखो एक ट्रैंगल है छोटे बच्चों वाला काम हो गया ना ये सिक्स सेवंथ क्लास का काम हो गया कि हमारे पास ये एक ट्रैंगल है जिसमें हमारे पास दो एंगल हैं तीसरा एंगल कैसे निकलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैंगल वो क्या कहती है कि एक ट्रैंगल के तीनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो कितना आता है बेटा वन एटी डिग्री ना एंगल ए इज़ थर्टी टू एंगल बी वी हैव टू फाइंड एंगल सी इज़ सिक्सटी फाइव बिकॉज ट्रैंगल्स आर सिमिलर एंड होल इज़ इक्व टू वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री तो एंगल बी कितना बन गया बेटा सेवन और नाइन्टी सेवन डिग्री इक्वल टू वन एटी डिग्री तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी वन एटी डिग्री माइनस नाइन्टी सेवन डिग्री ठीक है अब इनको माइनस कर दो वन एटी माइनस नाइन्टी कितना आता है नाइन्टी और उसमें से सेवन और माइनस कर दिए तो एट्टी थ्री डिग्री ठीक है तो एट्टी थ्री एट्टी थ्री ये रहा एट्टी थ्री डिग्री विल बी आर आंसर ठीक है अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर नाइन पे क्वेश्चन नाइन देखना दी पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स इक्व टू एंड वाई इक्व टू बी ग्राफिकली ग्राफ बनाना पड़ेगा रिप्रजेंट्स लाइन विच आर पैरल इंटरसेकटिंग एट बी ए को इंसिडेंट और इंटरसेकटिंग एट ए बी देखो ज़रा ध्यान से एक्स इक्व टू ए और वाई इक्व टू बी लाइन है ये तुम लोगों ने नाइन्थ क्लास में सीखा है ठीक है जब एक वेरिएबल ही प्रेजेंट होता है तो कैसे ड्रॉ करते हैं एक्स इक्व टू एंड वाई इक्व टू बी ये देखो एक्स इक्व टू एंड वाई इक्व टू बी ये दो लाइंस है ठीक है तुमने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में देखो ये हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस है ठीक है ये लो ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट एक्सिस ठीक है ये कितना है एक्स एक्सिस ये कितना है वाई एक्सिस ये आ गया अपना ओरिजिन ठीक है अब एक्स इक्व टू ए लाइन है बेटा मैं हमेशा ऐसे याद करवाता हूँ बच्चों को कि जो भी वेरिएबल मिसिंग होता है ना उसके पैरेलल होती है लाइन ठीक है एक्स इक्व टू ए पॉइंट है मान लो यहाँ पे कहीं एक्स इक्व टू ए पॉइंट है ठीक है ना ये कहीं एक्स इक्व टू ए पॉइंट है तो बस ये क्या होगा अब वाई वेरिएबल मिसिंग है यानी कि वाई एक्सिस के हो गई बिल्कुल पैरेलल तो ये बन जाएगी कुछ ऐसी लाइन ऐसी बन जाएगी ठीक है अब इसी तरह से वाईज इक्वल टू बी है तो वाइज इक्वल टू बी मान लो कुछ यहाँ पे आ गया पॉइंट ठीक है जी अब देखो x मिसिंग है तो ये x एक्सिस के क्या बन जाएगी पैरेलल तो ये हमारी दूसरी लाइन बन जाएगी वाई इज इक्व टू बी ठीक है जी अब देखो ये दोनों क्या है इंटरसेक्ट कर रही हैं सबसे पहले इंटरसेक्ट कर रही हैं ना तो देखो ऑप्शन फर्स्ट में क्या था ऑप्शन फर्स्ट में था पैरेलल तो ये ऑप्शन तो गई ऑप्शन थर्ड में क्या था कोइंसिडेंट ये भी गई अब हमें ये देखना है कि ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है बी कोमा ए है या ए कोमा बी है अब देखो बेटा यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है ए तुमको पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स का होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा वाई का होता है तो इंटरसेक्टिंग एट ए कोमा बी ना तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा बच्चे क्या करते हैं ए बी और बी ए में कन्फ्यूज़ रहते हैं हमेशा तो ये देखो गलत ऑप्शन उन्होंने पहले ही दी हुई है ताकि डी ऑप्शन बच्चा देखे ही ना बी टिक कर आए तो हमारे पास क्या बन जाएगा इंटरसेक्टिंग एट ए कोमा बी ठीक है ए बी और बी ए में फ़र्क होता है ठीक है बेटा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर टेन के ऊपर क्वेश्चन नंबर टेन में क्या है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फोम्ड बाय द लाइन एक्स पोन ए प्लस वाई ओपोन बी इक्व टू वन विद द कॉर्डिनेट एक्सिस इज देखो हमारे पास ये एक लाइन है एक्स पोन ए प्लस वाई ओपोन बी इक्वस टू वन इसकी इंटरसेक्शन कहाँ हो रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों उसका हमने एरिया फाइंड करना है देखो कैसे होगा ये ये देखो ये क्वेश्चन नंबर टेन है ना इसकी डायग्राम बनाते हैं देखो कैसे होगा आ, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया ठीक है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये लो ये हमने बना दिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ठीक है अब देखो हमारे पास लाइन क्या थी हमारे पास लाइन क्या थी इधर रफ में कर देता हूँ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्व टू वन अब तुमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना आता है ना नाइन्थ क्लास में फिर से नाइन्थ क्लास बार बार यूज़ होती है यहाँ पे ये लो ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्स को जीरो पुट करते हैं जब हमने एक्स को जीरो पुट किया तो जीरो पोने जीरो हो गया ना तो वाई की वैल्यू क्या आ गई वाई की वैल्यू आ गई बी ठीक है एक्स जीरो और वाई बी कुछ इस टाइप का बन जाएगा ये यहाँ पे होगा कहीं फिर वाई को ज़ीरो पुट कर देंगे जब वाई को बेटा ज़ीरो पुट कर दिया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक्स इक्व टू ए ना तो ये रहा तो ये क्या बन गया कुछ ए कोमा ज़ीरो टाइप ठीक है जी तो अब हम क्या करेंगे इसको मिला देंगे ऐसे ही लाइन ड्रो करते हैं ना एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ले लिया एक वाई एक्सिस पे ले लिया फिर दोनों को ज्वाइन कर देंगे समझे तो ये क्या बन गया ये तो ओरिजन होता है उसने बोला था ये एरिया निकालो ये पूरा एरिया फाइंड करो ठीक है जो एरिया क्या है इस लाइन और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है कॉर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इस लाइन के बीच में है तो यही वाला एरिया ना एरिया फाइंड आउट करना है अब देखो एरिया ऑफ़ ट्रैगल का तुम छोटी क्लास से फार्मूला पढ़ते जाते हो सिक्स सेवन्थ क्लास थे एरिया ऑफ ट्रैंगल ये होता है ना हाफ इन्टू बेस इंटू हाइट समझे तो ये क्या है वन बाई टू बेस कितना होता है बेस का मतलब हो गया जीरो से लेके a ए तक की वैल्यू कितनी है जी ए है हाइट कितनी होगी ज़ीरो से लेके बी तक ठीक है तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास बी तो ये आंसर क्या बन गया वन पॉइंट टू ए मल्टीप्लाई बी तो ये रहा ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल ठीक तो ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेन क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ठीक है टिल देन इस वीडियो को अच्छे से देखना जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में बताना मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूँगा ठीक है टिल देन गुड बाय